सो गाइस, क्या आप लोग भी अपने आईफोन में फ्री फायर को डाउनलोड करके खेलना चाहते हैं? कूल। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से आईफोन में फ्री फायर को डाउनलोड करके खेल सकते हैं, तो ऐसे में आप लोग टेंशन भी मत लो, क्योंकि अगर आप लोग अभी के टाइम में अपने आईफोन के एप स्टोर में फ्री फायर सर्च करोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों ही देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जिसके वजह से आप लोग चाह कर भी अपने आईफोन में फ्री फायर नहीं खेल पा रहे होंगे। तो ऐसे में आप लोग टेंशन भी मत लो, क्योंकि इसी को देखते हुए ही मैं आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी लोगों को अपने आईफोन में फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे इजी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को और कोई दूसरा यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं बताएगा, जिसकी मदद से भाई आप लोग अपने आईफोन में आसानी से फ्री फायर को डाउनलोड करके खेल पाओगे। तो इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा उसको मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो इसी बात पर आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते ही रहिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो क्या करो मेरे भाई लोग, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल में नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ऐसे और आगे भी फ्री फायर के रिलेटेड हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए यार, अब हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो तरफ बढ़ते ही हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जिस ट्रिक की मदद से भाई आप लोग आसानी से अपने आईफोन में फ्री फायर को डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो यार इसके लिए सबसे पहले तो भाई आप लोग के आईफोन में जो भी एप स्टोर देखने को मिलता है उसको आप लोग ओपन करना, और उसके बाद यार यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड के ऊपर की तरफ जो भी आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उसको आप लोग क्लिक करते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों का एप स्टोर में जो भी अकाउंट होगा वो देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आप लोगों के अकाउंट का नेम देखने को मिल रहा होगा उसको यहाँ पर आप लोग क्लिक करना, और उसके बाद यार आप लोगों का एप्पल आईडी का जो भी पासवर्ड होगा उसको यहाँ पर आप लोग डाल देना, और उसके बाद यार आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी नीचे में कंट्री और रीजन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उसको यहाँ पर आप लोग क्लिक करना, और उसके बाद यार यहाँ पर आप लोगों को चेंज कंट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यार इसको आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो यार यहाँ पर आप लोगों को सभी कंट्री के नेम देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक सिंगापुर कंट्री का नेम देखने को मिलेगा। तो यार इसको यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ऊपर में आप लोगों को जो भी एग्री का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उसको आप लोग क्लिक करना, और उसके बाद यार आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी ऊपर में पेमेंट मेथड देखने को मिल रहा होगा इसमें आप लोग सबसे पहले तो नॉन को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग इसमें नॉन को सिलेक्ट नहीं करोगे तो हो सकता है आगे आप लोगों को पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिले इसीलिए। और उसके बाद आप लोग यार थोड़ा सा नीचे आना तो यहाँ पर आप लोगों को दो स्ट्रिक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यार इसमें आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। तो चलो यार यहाँ पर मैं फर्स्ट में अपना चैनल का जो भी नेम है उसको यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, और उसके बाद अब मैं सेकंड में अपना जो भी नेम है उसको डाल देता हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। यार उसके बाद आपको थर्ड में पोस्ट कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार इसमें मैं जो भी कोड बोल रहा हूँ उसी को ही यहाँ पर आप लोग डालना। तो यहाँ पर आप लोग 520110 डाल देना, जो कि आपको वीडियो के स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो भी पोस्ट कोड है उसको यहाँ पर आप लोग डाल देना, और एक बार आप लोग चेक कर देना भाई सेम टू सेम ही होना चाहिए पोस्ट कोड, वरना आप लोगों को आगे प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है इसीलिए। और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में जो भी फोन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उसमें आप लोग यार 10 डिजिट का कोई सा नंबर डाल देना, 123, या आप लोग चाहो तो आप लोग अपना जो भी फोन नंबर है उसको भी यहाँ पर आप लोग डाल सकती हो। और उसके बाद आप लोगों के यार जो भी ऊपर के कोने में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उसको आप लोग क्लिक करना। बस आप लोग यार इतना कुछ कर लोगे, और उसके बाद यार आप लोग जाकर अपने आईफोन के एप स्टोर में फ्री फायर सर्च करते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को फाइनली आप लोगों के एप स्टोर में फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि यार यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। तो आपको यार अपने आईफोन में जो भी गेम खेलना होगा उसको यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलो यार यहाँ पर मैं आप लोग को बताने के लिए अपने आईफोन में जो भी फ्री फायर मैक्स है उसको यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यार उसके बाद जैसे ही आप लोगों के फोन में गेम पूरी तरीके से डाउनलोड होने के बाद यार इंस्टॉल हो जाता है, यार इसको आप लोग ओपन करना, और उसके बाद आप लोगों का फ्री फायर का जो भी मेन आईडी है उसको आप लोग आसानी से लॉगिन करके आप लोग अपने आईफोन में गेम खेल सकते हो। आपको यार कोई सा प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपके ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा तो ऐसे में प्लीज मेरे भाई लोग आप लोग की वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे और आगे भी फ्री फायर के रिलेटेड हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।